उत्तराखंड की तर्ज पर अब राजस्थान में भी भजनलाल सरकार समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का कानून ला सकती है। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राज्य कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार यूसीसी को लेकर बिल लाने पर विचार कर रही है। बजट सत्र में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने से जुड़ा सवाल पूछा था और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में भी यूसीसी जल्द लागू करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान में भी हमारी सरकार यूसीसी लागू कर सकती है। अगले विधानसभा सत्र में इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जयपुर में बेसमेंट में चल रही कोचिंग के मामले में भी बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि विधानसभा में मैंने इसका मुद्दा उठाया था और मांग की है कि बेसमेंट में रह रहे लोगों और चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की जाए और इसके साथ ही कार्रवाई हो। और इससे पहले फरवरी 2024 में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल ने कहा था कि भजनलाल सरकार यूसीसी बिल को पास कराने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने कहा था कि मैंने इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करी थी, यह बिल 100% पास होगा। उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि इसे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। यूसीसी पर विधायक कालीचरण सराफ ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राज्य की तर्ज पर क्या हमारे प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता का कानून बिल ला करके ये लागू करेंगे? तो सरकार ने जवाब दिया, जी हाँ, इसके सभी पहलुओं पर विचार करके और बातचीत करके इसको जल्दी ही लागू किया जाए। क्या सरकार का मैंडेट रहने वाला है आपके सवाल के बाद, ऐसा लगता है? है? सरकार की इच्छा रहेगी? सरकार की इच्छा है तभी उन्होंने जवाब दिया है, जी हाँ उन्होंने जवाब दिया है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में भी ये अपने जो समान नागरिक संहिता का कानून है वो जल्दी पेश होगा और लागू होगा। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा इससे प्रदेश में? अब ये तो देखिए कब आता है, इसी सत्र में तो कहाँ से आएगा, दो दिन तो है ही भाई, अब तो दो ही दिन का सत्र है, तो अगले सत्र भी आए। क्या फायदा होगा इससे अगर ये समान नागरिक? ये इससे जो महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है उसमें निजात मिलेगी। यानी एक एक व्यक्ति एक घर में तो चार चार शादियां करता है, एक घर में एक करता है, दूसरा इसमें सती प्रथा है, यानी जितनी भी महिलाओं की उत्पीड़न की जो संभावना है वो इससे दूर होगी। और दूसरा, सबको समान अधिकार मिलेगा। आज मुस्लिम बरसिल्ला में महिलाओं को पति के अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ में है, तो इसमें भी उनको अधिकार मिलेगा, पूरा इस बाकी बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो कई इस प्रकार की विसंगतियाँ हैं वो दूर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व के जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, आयरलैंड है, वहाँ पर सभी प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, पर वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, पर हमारे देश में नहीं है। तो ये जो विभाजनकारी सोच है लोगों का, या हर धर्म के लिए अलग अलग कानून, ये हमारे पंथनिरपेक्ष देश के लिए और ठीक नहीं है। इसलिए सबको समान अधिकार मिले, सब में समानता का भाव हो, इसलिए इस कानून की बहुत आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि प्रदेश कार्यालय प्रदेश सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है और ये निश्चित रूप से जल्दी लागू करेंगे।